एक साथ में ग्रुप में फोटो ले, एक ग्रुप फोटो लाइव है ना मैं यही कहूंगी कि राजकुमार जी ने जो ये ऑर्गेनाइज किए ये अवार्ड्स लोगों को फिलिसिटेट करने के लिए, उनके अच्छे कामों को पहचानने के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये हमारे लिए इंस्पिरेशनल है कि हम आगे जाके और भी अच्छा काम करें। एंड आई एम सो प्राउड कि बब्बीदा जी को हम लोग ने याद किया ऐसे अब एक सुपर ओकेजन पे। उनकी बेटी की आंखों में आंसू थे, रो रही थी और कह रही थी कि काश मेरे फादर यहाँ होते, उनको इतनी खुशी मिलती। राजकुमार जी ने जो अच्छा किया है, हम लोग हमेशा अवार्ड्स में जो जिंदा है उनको देते हैं, लेकिन किसी लेजेंड को उनके गुजरने के बाद ऑनर करना, ये सबसे आज की खूबसूरत खूबसूरत मोमेंट थी। और राजकुमार जी खुद इतने हसमुख है कि उन्होंने अवार्ड्स को की महफिल को बहुत ही अच्छा बना दिया। तो इट वाज अ प्लेजर टू बी हियर। सर आप क्या कहना चाहोगे, बॉलीवुड की नंबर वन सेलिब्रिटी यहाँ पर पहुंची हमेशा मैम, आपके अवार्ड शो में क्या कहना चाहोगे? मेरे लाइफ की पहली थिएटर मूवी थी गदर। देखने को नहीं मिलता था, इतना काम था जिंदगी में। पहली मूवी थिएटर में जाके देखा गदर, 24 बार देखी है। और मैडम की अभी दूसरी गदर 2 आ रही है। आई एम सो एक्साइटेड। और मूवी आ जाने दीजिए, अगर हमारा कोई बड़ा फंक्शन हुआ तो एक छोटा सा प्री लॉन्च हम हमारे फंक्शन में एकदम मैडम के लिए रखेंगे। मैं बहुत बहुत इनको धन्यवाद देता हूँ, इतना बिजी शेड्यूल से आए हैं। मैडम जिंदगी भर आपके ऋणी रहेंगे, आपका उपकार है हमारे ऊपर, हमारे ऊपर आशीर्वाद रखिएगा और नेल्सन मंडेला के साथ में रहिए। हर साल ये अवार्ड्स पर हर साल आप मुझे बुलाते हो, यही मुझे अच्छा लगता है। तारा सकीना को देखने आप कितने एक्साइटेड हैं, तो इतने ही हम एक्साइटेड हैं। बस जितना प्यार आप लोगों ने पहली फिल्म को दिया, अगर उतना ही प्यार दूसरे को मिले तो गड़बड़ मच जाएगी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने पूरे देश भर में अपना, चाहे वो साउथ की फिल्म है और डब हो, हिंदी में आते और करोड़ों रुपए कमा दिए। आपको क्या लगता है, हिंदी हर जगह एक्सेप्ट की जाती है, हिंदी को एक नेशनल लैंग्वेज घोषित करना? मैं चाहती हूँ कि हर लैंग्वेज एक नेशनल लैंग्वेज हो, बिकॉज इंडिया की ब्यूटी वही है कि वे मल्टी कल्चरल, वे मल्टी ट्रेडिशनल, and every language, every state, every culture is equally important. मुझे भूल भुलैया का ट्रेलर जबरदस्त लगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम एक्सट्रीमली ऑनर्ड कि ये नेल्सन मंडेला पीस अवार्ड डॉक्टरेट ये मुझे दिया गया है। इसके लिए मैं इस फाउंडेशन की बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये, और जो लोग सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करने के लिए ये अवार्ड्स है।
तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इनकी. थैंक यू मैम. सबसे ज़रूरी चीज़ फूड एंड वाटर के साथ साथ पीस की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि फाउंडेशन उस डायरेक्शन में बहुत अच्छा काम कर रही है. थैंक यू मैम. काफ़ी हिंदी लैंग्वेज को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि हिंदी लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज घोषित होना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए क्योंकि जो हिंदी हर जगह आप गाती हैं वो तो है ही. नहीं नहीं, हमारे गाने की बात नहीं है, बट इट्स अ गुड थिंग. और पूरे देश में वो तो हिंदी में बात तो करते ही हैं. इट्स अ वेरी नाइस थिंग. आपको लगता है इसको एक्सेप्टेंस होनी चाहिए? नहीं, उनका एक्सेप्टेंस है ही ना, तभी तो बात करते हैं. तो आपको लगता है लेकिन एट द सेम टाइम, नहीं नहीं वो तो है, बट एट द सेम टाइम जैसे अभी जापान के हैं तो जापनीज में बात करते तो इट्स एक्सेप्टेड. तो जो भी हमारी भाषा है तो उसे एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए. थैंक यू सर. It will make, of course, a very strong impact because he is a great leader and उनके जैसे महान लीडर and NATO बोलो आप, anywhere United States of America बोलो, it's a huge. He is himself a pillar and an international leader, the greatest Nelson Mandela. And from बचपन से हम सब पढ़ते आए हैं and his givings and his sacrifices and his torture which he went through. So it's been a great thing that Rajkumar ji और सब आप लोग इंडिया में आके इतना अच्छा आप लोग ने एक शुरू किया नोबल पीस Nelson Mandela जी के नाम से. And it will of course help because see a lot of you know we should come forward with his doings and all, and we should make the next generation and make some good causes, good things for him, you know, keeping his name in mind and respect. हाँ जी, मैं पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आज पापा के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा, और आई विश डैडी रहते हैं आज यहाँ तो ज़रूर आते, पर वो है, उनका आशीर्वाद है. और इन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया, इतना ब्यूटीफुल वे से उन्होंने सब रखा, सब कुछ इतना अच्छा उन्होंने रिस्पेक्ट दिया. आई एम वेरी हैप्पी एंड ऑनर्ड प्लेजर दैट दादा को भी इन्होंने इतना अच्छा अवार्ड दिया, मान सम्मान दिया, एंड आई एम वेरी ऑनर्ड. इट्स अ प्लेजर टू बी हियर. सर आप क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरह से बप्पी साहब आपने यहाँ पर उनको डॉक्टर को बुला के फेलोशिप की, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये अभी बोले कि बप्पीदा नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं. मैंने अंदर कहा एक बात कि टेक्नोलॉजी खत्म हो जाएगी एक दिन, सही बात. टीवी मोबाइल सब चला जाएगा, लेकिन बप्पीदा के गाने अमर है, अमर थे, अमर रहेंगे. बप्पीदा का म्यूजिक हमारे खून खून में है, रग रग में है. आज Nelson Mandela नोबल पीस अवार्ड के लिए सुनहरा दिन है, सुनहरा मौका है, क्योंकि उनके ट्रिब्यूट के समय उनका घराना हमारे साथ है, विमादी हमारे साथ है. और ऐसे ही मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि जहां भी हमारा प्रोग्राम होगा वो आइए, इस उपस्थिति में वो आए, यानी कि हम सोचेंगे बप्पीदा आ गए हैं. वेलकम बप्पीदा, मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूँ. उनकी बराबरी तो हम नहीं कर सकते, लेकिन आज हम उनको ट्रिब्यूट करते हैं. और इस साल का पहला मरणोत्तर पुरस्कार, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा ट्रिब्यूट आज Nelson Mandela ने यहाँ पे दिया है. मैं दीदी का धन्यवाद करता हूँ जो आज दीदी आशीर्वाद हमारे ऊपर रखे, आपके भाई ये छोटे हैं, बस थैंक यू सो मच. थैंक यू, धन्यवाद. ढेरों शुभकामनाएं Nelson Mandela नोबल पीस फाउंडेशन को, उससे जुड़े हुए सभी लोगों को. आज जिन लोगों को सम्मान दिया गया for their achievements in diverse fields, most important, oh jhingre awaaz kuch hai, aise hi mera style hai, nahi koi baat aap. Sabse pehle to jo dil ko chhu jane wala award tha, sabse pehla award un mahilaon ko jinhone din raat अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों की सेवा की. किसी ने वृद्ध लोगों की सेवा कर रही है कि मतलब खत्म नहीं हुआ उनका ये प्रयास. आप कोई उन महिलाओं को ढेरों ढेरों सम्मान
और आई अप्लॉड द एफर्ट्स ऑफ नेल्सन मंडेला नोबल पीस फाउंडेशन फॉर ऑनरिंग राइट एट द स्टार्ट ऑफ द फंक्शन दोज वंडरफुल दोज डिजर्विंग लेडीज who have done so well, who are doing such wonderful work. So congratulations to all of you, thank to you. All of you for doing such fantastic thing. And I have told you that I was shooting a lot of years ago. And I went there where Nelson Mandela was kept in the prison, in Robben Island. In that small cell, which is now made for people's eyes, वो देखकर और एक छोटी सी खिड़की है जहाँ से वो दूर देखते थे हमेशा कि किसी दिन मैं अपने उस मुल्क को आज़ाद देखूँगा. तो बहुत बहुत इस बात से कि उनके इस नाम को उनके नाम से जिस प्रकार से ये सम्मान दिया जा रहा है लोगों को, बहुत ही आप सभी को शुभकामनाएं और बधाई. थैंक यू वेरी मच. आपको कौन सी लैंग्वेज दी चाहिए, हिंदी मराठी? जो आपको कंफर्टेबल हो, जो आपको कंफर्टेबल हो. ओके. नेल्सन मंडेला पीस अवॉर्ड 2022 या अवॉर्ड ने आज आम्हाला सन्मानित करण्यात आलेला आहे. आम्ही महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून जे काही सामाजिक काम करतो त्यासाठी हा अवॉर्ड दिला गेलेला आहे. तसा विचार करता जगातील काही मानांकित अवॉर्डमध्ये या अवॉर्डचं एक नाव घेता येईल. आणि खरंच ग्रामीण भागात कुठेतरी काम करत असताना कोणतरी आपली दखल घेत आहे याची एक जाणीव हा अवॉर्ड मिळाल्यानंतर खरं तर होतीये. खूप छान वाटलं की ग्रामीण भागामध्ये आम्ही शेतीविषयक कामं असतील, पाण्याविषयक कामं असतील, त्याचबरोबर इतरही बरीच सामाजिक कामं असतील ही करत असताना त्याची दखल जागतिक पातळीवर कुठेतरी या नेल्सन मंडेला अवॉर्डच्या माध्यमातून घेतली जाते याचा नक्कीच अभिमान वाटतोय. मी धन्यवाद देतो या सगळ्या टीमला की त्यांनी आमच्या कामाची दखल घेऊन आम्हाला या पुरस्काराने सन्मानित केलं. धन्यवाद. थँक्यू. नेल्सन मंडेला अवॉर्ड बहुत प्रभावित करता है हम जैसे लोगों को, अच्छा करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए, जिनको हमारी ज़रूरत है और ज़रूरतमंद है उनके लिए मैं हमेशा खड़ी रही हूँ. मैं एक पॉलिटिकल घराने से हूँ, मेरे माँ बाप ने हमेशा सिखाया गरीबों की सेवा करो, अच्छा करोगे तभी अच्छा होगा लाइफ में, अच्छा नहीं करोगे अपने लिए जियोगे, अपने लिए खाओगे, अपने लिए मरोगे तो ऊपर वाला भी उतना ही रखता है. हर इंसान को इस जीवन में अगर आए हो तो एक पर्पस के लिए आओ, वो ऐसा कर दो कि बनने के बाद भी लोग आपको याद रखें कि कोई जरीन मनचंदा पैदा हुई थी. यंगस्टर्स जो है, जो छोटे जो यंगस्टर्स हैं जब वो पैदा होते हैं उनको लगे कि अगर हमको बड़े होके कुछ बनना है या बड़े होकर पार्टी करनी है, फैमिली के लिए कुछ करना है, अपने बच्चों के लिए करना है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी है कि हमें अपने देश के लिए क्या करना है, हमें अपनी जनता के लिए क्या करना है, क्योंकि हमारी इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सोसाइटी हमें बहुत कुछ देती है तो हम सोसाइटी को क्या देते हैं. पॉलिटिशियंस बने जा रहे हैं, नेता पैदा हुए जा रहे हैं लेकिन देश नहीं था वही है. लेकिन अगर हम जैसा कोई भी इंसान, अगर हम लोग 100 रुपया भी कमाते हैं या 10,000 रुपया भी कमाते हैं, अगर हम लोग ये सोचें कि 10,000 में से हम लोग 500 रुपये का भी लोगों की हेल्प कर देंगे तो इस देश को अमेरिका से भी ज्यादा तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता. दिस इंडिया विल बी द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड. लेकिन हर इंसान की सोच बदलनी होगी, हर इंसान को बदलना होगा, हर इंसान के लिए को प्रभावित करने के लिए मेरी जैसी किसी लड़की को या लड़के को पैदा होना पड़ेगा जो हम जैसे लोगों को या यंगस्टर्स को प्रभावित कर सके कि यू नो यू कैन पार्टी, यू कैन ड्रेस अप, यू कैन एंजॉय लाइफ, यू कैन गो अब्रॉड, यू कैन हैव फन, बट स्टिल यू कैन लव योर कंट्री. आप लोगों की सेवा करो, उससे ज्यादा आनंद, उससे ज्यादा खुशी, उससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन किसी भी चीज में नहीं मिलती. एक साउथ अफ्रीका के एक ऐसे इंसान जिनको भारत में भारत रत्न से नवाजा गया,
उससे बढ़कर कोई पुरस्कार कोई अवार्ड नहीं है उनके नाम पर एक ऐसा अवार्ड और लोगों को अगर सम्मानित किया जा रहा है तो सोशली उन लोगों को बहुत हिम्मत मिलती है और जिन लोगों को डॉक्टरेट से फेलिसिएट किया गया वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है बिकॉज दे आर गेटिंग ऑनरेरी डॉक्टरेट यू नो फॉर द डिफरेंट फील्ड तो सोशली कहीं ना कहीं उन लोगों को समाज में और एक अच्छा सम्मान मिलता है और हिम्मत मिलती है कि कुछ ना कुछ और अच्छा करें। देखिए कला कला संस्कृति थिएटर और एक्टिंग के क्षेत्र में कहीं ना कहीं अगर मुझे हिम्मत मिली है कि इतने सालों तक अलग अलग रोल किए हैं और कहीं ना कहीं वर्सेटाइलिटी है तो एक सम्मान और प्यार मिला है तो मुझे बहुत खुशी है और इस तरीके की चीज़ें और ज़्यादा आपको प्रेरित करती हैं कि आप अपनी फील्ड में और भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करें। हर जगह बात चल रही है कि हिंदी भाषा को नेशनल लैंग्वेज घोषित कर देगा, आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से क्या कहते हैं? सिनेमा की कोई भाषा नहीं है, सिनेमा की कोई भाषा नहीं है। मैं कहता हूँ कि अगर आज आप देखें पिछले 10 सालों में जो रीजनल फिल्म्स हैं उन्होंने जिस तरीके से बूम किया जिस तरीके से काम किया, मैं बात कर रहा हूँ चाहे आप मराठी सिनेमा की बात करें चाहे आप गुजराती सिनेमा की बात करें, पंजाबी इंडस्ट्री बहुत पहले से अलग अलग जगह फिक्स थी, बहुत सारे लोग काम कर रहे थे और अच्छे लेवल पे सिनेमा बनने लगा। तो सिनेमा की कोई भाषा नहीं है, हिंदी में बनाता है कोई गढ़वाली में बना रहा है कोई हरियाणा में बना सकता है। इस साल हमारी फिल्म को जो हरियाणवी फिल्म थी उसको नेशनल अवार्ड मिला तो सिनेमा है, आप किसी भी तरीके से किसी भी भाषा में अपनी बात अपनी कहानी जो है उसको आप लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो ये तो अपनी बात अपनी कहानी स्टोरी टेलिंग कन्वे करने का सिर्फ एक माध्यम है, भाषा कोई भी हो। सर जी नोबेल पीस अवार्ड है, पीस की बात की जा रही है, आपको लग रहा है दुनिया में इसको पीस है और देखिए आप और हम सब लोग शांति और अमन की सिर्फ कामना कर सकते हैं, कहीं ना कहीं माहौल बिगड़ता है लेकिन मैं वही वाली बात कहूँगा कि भारत रत्न नेल्सन मंडेला जी जिनके नाम पर एक ये फाउंडेशन है और लोगों ने कोशिश की उन्हें नवाजा गया इसलिए क्योंकि उनको साउथ अफ्रीका का गांधी जी कहा गया और गांधी जी हमेशा पीस की बात करते थे, शांति की बात करते थे, अहिंसा की बात करते थे। तो उन चीज़ों को सोचते हुए अगर इस तरीके की सोच को और आगे बढ़ा के स्प्रेड किया जा रहा है उस चीज़ का और संदेश आगे दिया जा रहा है ताकि आपने और हम सब लोग उस तरीके से संदेश और आगे के लोगों तक पहुँचाएँ और हमारे देश में बल्कि समूचे विश्व में शांति का माहौल बने, हम चाहते हैं कि इस तरीके से ये संदेश सब तक पहुंचे। तो ये कोशिश है एक प्रयास है और इसमें आप और हम सब लोगों को जुटना चाहिए। थैंक यू। Yeah, I am very thankful for all the award I have received today, all the sacrifices have come to the great opportunity and now to the achievement. I would like to thank my parents first of all my students and everyone who has supported me since day one till today and will keep supporting me ahead to very much achievements to come soon. Thank you. Thank you. Thank you, sir. आज आपको अवार्ड मिला है, मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैं ऐसे काम करती हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारा कोरोना में 1,00,000 लोगों का इंसुलिन इंजेक्शन दिलवाया है, अंधा और बहरा जो भी है पुअर लोगों के लिए काम किया है और 10 गांव और 10 स्कूल अडॉप्ट किया है, वो सब देखकर ही मुझे अवार्ड मिला है। मुझे आज बहुत कुछ मैं बहुत खुश हूँ और सब आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार मेरे साथ है, लोगों का आशीर्वाद भी मेरे साथ है, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू वेरी मच। है अच्छा इवेंट है जहाँ पे एक्सीलेंस को रिकग्नाइज किया जा रहा है, कॉन्ट्रीब्यूशन को रिकग्नाइज किया जा रहा है। आई विश द टीम ऑफ नेल्सन मंडेला पीस अवार्ड कि ये आगे बढ़ते जाए, ऐसे ही अचीवर्स को सम्मान करें, ये ग्रुप को बड़ा बनाए जिसके कारण समाज देश और दुनिया को फायदा हो सके। थैंक यू। या थैंक यू। आप चलो आए अभी पूछ ले, इच्छा तेरी पूरी कर ले, डॉक्टर दिख रही है, डॉक्टर है।
कभी कभी कुछ मोमेंट लाइफ के ऐसे होते हैं जिनका कोई मतलब तोड़ ही नहीं है, तो मैं ये कहूँगी कि मुझे मेरे सोशल एक्टिविस्ट एंड फिल्म प्रोडक्शन के लिए मुझे डॉक्टरेट की जो डिग्री मिली है, अवार्ड मिला है, बहुत जिम्मेदारी मेरी बढ़ गई है और मैं आगे भी बहुत कुछ करना चाहती हूँ लोगों के लिए। बस इतनी हिम्मत आप लोग देते रहना मुझे। इतना अच्छा देख काम करना, आपका पॉजिटिवनेस आती है, आप ही लोग से आती है। पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिवनेस है ही, एक शक्ति भी है मेरे अंदर, वो जो हमेशा मेरे अंदर मुझे जगा के रखती है कि इरम तुम्हें हारना नहीं है, डरना नहीं है और आगे बहुत सारे काम करना है, अच्छे काम करना है। और आज डॉक्टरी डिग्री मिली है तो इस डिग्री अभी आपके नाम की आ गया, अभी डॉक्टर लगेगा, तो इसको कितने आप गर्व महसूस? ये बहुत ही जिम्मेदारी वाली बात है मेरे लिए, क्योंकि मुझे जिस कैटेगरी में मिला है, तो मैं जब बचपन में थी मैं फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी, प्रोड्यूसर भी बनी, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जो जिस कैटेगरी में मुझे मिला है तो मेरी जिम्मेदारी सच में बढ़ गई है। और नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड के लिए मैं शायद जानी जाऊंगी इतिहास तक, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे ऐसी दुआएं और इतनी बेस्ट विशेज देते रहे मेरे इरम्स एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन को भी, जिसकी फिल्म आने वाली है मीट मिस्टर चांग, इसका शायद हम यहाँ पे प्रोमो भी रिलीज करेंगे, तो बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। थैंक यू मैम। हमारी फिल्म मीट मिस्टर चांग बहुत ऐसे से जो एक अवेटिंग फिल्म है हमारे लिए, इट इज़ बेस्ड ऑन रेसिज्म, से नो टू रेसिज्म, और इस फिल्म को बनाया है अश्विन कौशल जी ने डायरेक्ट किया है, मैं इरम फरीदी प्रोड्यूसर, इरम्स एंटरटेनमेंट एंड फ्राइडे फीवर फिल्म्स के एसोसिएशन में ये फिल्म आ रही है, क्रिएटिव प्रोड्यूसर है फैज अली वारिया, एसोसिएट प्रोड्यूसर है जुडैन शेख जी ने, इन सब ने बहुत अच्छा काम किया है। स्पेशल थैंक्स टू हमारे जो मेन जो अदाकारा है मेन लीड में है चैन हो लियाओ, ही इज़ अ सच अ नाइस पर्सन और उन्होंने मेन लीड किया है, तो ये बहुत ही टची फिल्म है, आप जरूर देखें, बहुत ही जल्द आपको OTT पे फिल्म मिलेगी। मैं तो कहूँगी सच में ये साल का सबसे बेस्ट अवार्ड है और राजकुमार टाग जी बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं यहाँ पे अवार्ड की नहीं करूँगी, राजकुमार जी की पहुँच कहाँ तक है, मेरे तीन मित्र हैं जो मेरे से ऐसे ग्लोबली जुड़े हुए हैं, वो भी अवार्ड ले चुके हैं, ये नहीं है कि हम लोग एक दूसरे की कैटेगरी से जानते हैं म्यूचुअल फंड, आप समझिए ये अवार्ड कहाँ तक पूरे इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचा है, तो मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है और बहुत बहुत थैंक यू राजकुमार ताग जी को जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से आज नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड मुझे मिल पाया। मैं थैंक यू कहना चाहूँगा राजकुमार टाग सर का और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन कमेटी है उनका, और लास्ट कुछ दिनों से हम लोग डिजिटली वर्क कर रहे हैं, मैं आप सब लोगों को जितने भी मुझे लोग सुन रहे हैं, और अगर आपकी उम्र 18 से ज़्यादा है तो अगर आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो तो मैं एक ही चीज़ का मैसेज देना चाहता हूँ आप लोगों को, आज सोशल मीडिया जिसको आप सिर्फ स्क्रोलिंग मशीन बनाकर रखे हो उसको ATM मशीन में टर्न अप करिए और अपनी एक नई इनकम शुरू करिए और अपने साथ साथ में अपने यूथ को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने में हेल्प करिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन नेल्सन मंडेला, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय। यस, आज नेल्सन मंडेला पीस अवार्ड 22 का मिसेस चित्रा अश्वत पाटिल फ्रॉम रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, आज मुझे अवार्ड मिला है सोशल वर्क के लिए, जो कि मैं जेफ फाउंडेशन के थ्रू वुमन एम्पावरमेंट के लिए काम करती हूँ। वुमन एम्पावर्ड होना चाहिए करके बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन थ्रू माय पॉलिटिकल बैकग्राउंड एंड दिस NGO आई एम वर्किंग फॉर एक्चुअल वुमन, जिसके लिए मेरे अंडर रूफ 250 SHG ग्रुप है, जिसमें 3,000 to 4,000 वुमन हैं जिनके लिए एक्चुअल में महाराष्ट्र शासन के जो टेंडर प्रोसीजर्स रहते हैं उनको फॉलो करके उनको एक्चुअल प्रोसीजर में लाके उनको एम्पावर्ड करने का काम किया है, जिसके वजह से 3,000 to 4,000 लेडीज़ जो है जो SHG के ग्रुप में है वो एक्चुअल एम्पावर्ड है, उनको जो उनका जो मुबदला जो रहता है वो भी हमारे फाउंडेशन के थ्रू दिया जाता है। सो आई एम वेरी प्राउड आज के लिए मुझे नॉमिनी किया गया है और ये अवार्ड दिया है, और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है
छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए जो है, जिनके वारस से हम वहाँ रहते हैं, और ट्राइबल एरिया जो जितना भी है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, तो वो ट्राइबल एरिया के जो लड़कियाँ हैं, जो वुमेंस हैं, उनके लिए भी जो फाउंडेशन के थ्रू हम काम कर रहे हैं। तो आई एम वेरी प्राउड कि आज के लिए मुझे नेल्सन मंडेला पीस अवार्ड जो नॉमिनेट किया गया है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सभी को, मेरा नाम है आशीष अशोक तारीकर। मैं शुक्रगुजार हूँ नेल्सन मंडेला नोबेल प्राइज अवार्ड एकेडमी का। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस अवार्ड बिजनेस आइकन अवार्ड से नवाजा। मैं पूरी कोशिश करूँगा मेरे टीम के लिए, मेरे पूरे मेंबर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ, सबको ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करके मैं अपना खुद का अर्निंग बढ़ाऊँ और आगे भी ऐसे अच्छे अच्छे अवार्ड लूँ। इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद। थैंक यू।